फ्रेंड्स, एमएस वर्ड के पिछले वीडियो में हमने आपको एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में पेज ब्लॉक, टेबल ब्लॉक के बारे में बता दिया है। आज हम सीखेंगे इलस्ट्रेशन ब्लॉक के बारे में। इसमें आप सीखेंगे पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट और चार्ट ऑप्शन का यूज कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं साइबर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको कंप्यूटर कोर्स के सारे वीडियोस और टेक्निकल वीडियोस मिलेंगे। तो अगर आप आगे भी ऐसे ही कंप्यूटर कोर्स और टेक्निकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल के बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमने यहाँ पे एमएस वर्ड ओपन कर लिया है। तो मैंने एमएस वर्ड का होम टैब का सारा ऑप्शन एंड कमांड्स के बारे में वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने एमएस वर्ड के सारे ऑप्शन एंड कमांड्स के बारे में बारीकी से सारे ऑप्शंस के बारे में जानकारी दी है। फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में मैंने एमएस वर्ड के इंट्रोडक्शन में एमएस वर्ड ओपन होने के बाद का इंटरफेस, होम टैब के सारे ऑप्शन एंड कमांड्स, इंसर्ट टैब में पेज ब्लॉक और टेबल ब्लॉक के बारे में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे उस वीडियो का लिंक है, आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, एमएस वर्ड में यूज होने वाले सारे शॉर्टकट कीज के बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आज हम सीखेंगे इलस्ट्रेशन ब्लॉक के बारे में। इसमें आप सीखेंगे पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चैट ऑप्शन का यूज करना। तो बारी बारी से हम इन सारे ऑप्शन के बारे में आपको बता देते हैं। हमारा सबसे पहला ऑप्शन है पिक्चर। इस ऑप्शन के यूज से आप अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली पिक्चर पर क्लिक करना है और आप देख सकते हैं हमारे सामने इंसर्ट पिक्चर का विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको जिस भी लोकेशन में आप अपने पिक्चर को रखे हैं, आप उस लोकेशन को ओपन कर ले। उस पिक्चर पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन शो करेगा। आप सिंपली इंसर्ट पर क्लिक कर दे। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा डॉक्यूमेंट में यह पिक्चर इंसर्ट हो गया है। इस तरह से आप जितने मन उतने पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर और एक पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ। और इस तरह से आपने सीखा इंसर्ट टैब में इंसुलेशन ब्लॉक के पिक्चर ऑप्शंस के बारे में। हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है क्लिप आर्ट ब्लॉक। इस ब्लॉक के यूज से आप अपने डॉक्यूमेंट में एमएस वर्ड के ऑफिशियल जितने भी पिक्चर्स हैं, आप उसे आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्लिप आर्ट पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिप आर्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने क्लिप आर्ट का विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको यहाँ पे सर्च फॉर का एक बॉक्स शो करेगा। आपको इसमें कुछ टाइप नहीं करना है, सिंपली आपको गो पर क्लिक कर देना है। और आप जैसे ही गो पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं हमारे सामने क्लिप आर्ट में इतने सारे पिक्चर्स शो कर रहे हैं। आप इसमें से जिस पिक्चर को भी इंसर्ट करना चाहते हैं, आप आसानी से उस पर क्लिक कर इसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसे क्लिक करता हूँ और ये हमारा पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। जैसे ही आप इसे इंसर्ट करते हैं तो आपके सामने एक नया टैब ओपन हो जाता है, पिक्चर टूल का फॉर्मेट टैब। इसमें आपको पिक्चर को फॉर्मेटिंग करने के लिए बहुत बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें हमारा है एडजस्ट। इसमें आप पिक्चर के कॉन्ट्रेस्ट, ब्राइटनेस, रिकलर और भी बहुत सारे ऑप्शंस का यूज कर पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। और अगर आप इस पिक्चर को इस जगह से मूव करना चाहते हैं, यहाँ से हटाकर दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको टेक्स्ट टाइपिंग पर क्लिक करना होगा और इन फॉन्ट टेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं आपके सिलेक्टेड पिक्चर मूव होने लगा। अरेंज ब्लॉक के राइट साइड में साइज ब्लॉक है। इसमें आपको पिक्चर को क्रोप, हाइट, विड्थ को कम करना, ज्यादा करना, इसके लिए ऑप्शंस दिया गया है। आप इससे आसानी से कर सकते हैं। इसमें आप पिक्चर के इफेक्ट को, पिक्चर के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इस पे माउस के कर्सर को ले जाते हैं, आप देख सकते हैं हमारा पिक्चर का स्टाइल चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने पिक्चर के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप पिक्चर को किसी शेप में इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप आसानी से इसे पिक्चर को किसी शेप में कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा यह पिक्चर शेप में इंसर्ट हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट ब्लॉक शेप ब्लॉक के बारे में सीखते हैं। इस ऑप्शन के यूज से आप अपने डॉक्यूमेंट में बहुत तरह के शेप को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली शेप के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से उस शेप को सिलेक्ट कर लेना है जिस शेप को आप इंसर्ट करना चाहते हैं, और यहाँ पे सिंपली माउस का लेफ्ट की प्रेस किए हुए ड्रैग कर देना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये शेप इंसर्ट हो गया है और इसे आप आसानी से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे आप शेप को इंसर्ट करते हैं, आपके सामने एक
फॉर्मेट टैब फिर से ओपन हो जाता है। इसमें आपको शेप स्टाइल, शेप को चेंज करना, उसे फिर से दूसरा इंसर्ट करना, शेप के शैडो और भी बहुत सारे ऑप्शन शो करेंगे। शेप स्टाइल ऑप्शन से आप आसानी से अपने शेप के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अपने शेप के स्टाइल को चेंज कर रहा हूँ। इस तरह से आप अपने शेप में किसी भी तरह के एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट टैब से कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट। इस ऑप्शन की यूज से आप ग्राफिक्स रिलेटेड एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, डिजाइनिंग कर सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री के कुछ फॉर्मूलों को आप ग्राफ के द्वारा क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इससे आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने इतने सारे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स ऑप्शन शो कर रहे हैं। आप यहाँ पे आसानी से इसे कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे मैट्रिक्स सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद ओके, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी टाइप करना चाहते हैं आप आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर H2SO4 टाइप किया और आप इसे आसानी से सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के ऑप्शन से इसे आप फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप स्मार्ट आर्ट में किसी भी ग्राफ को इंसर्ट कर आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ एडिटिंग किया है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप आसानी से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है चैट। इस ऑप्शन की यूज से आप चैट क्रिएट कर सकते हैं। आप जैसे ही चैट पर क्लिक करते हैं आपके सामने इतने सारे चैट के टाइप शो कर रहे हैं। आप जिस भी चैट को इंसर्ट करना चाहते हैं आप आसानी से उस पर क्लिक करें और यहाँ से आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक एमएस वर्ड के ठीक बगल में एमएस एक्सेल का विंडो ओपन हो जाएगा। एमएस एक्सेल बेसिकली डाटा एंट्री के लिए यूज किया जाता है। इस एप्लीकेशन का यूज मॉल, फैक्ट्री, कंपनी इत्यादि बहुत सारे जगहों पर होता है। इससे आप बहुत बड़े बड़े डेटा को मिनटों में कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप अपने डेटा को चैट में इंसर्ट कर उसे दिखाना चाहते हैं तो आप आसानी से इससे कर सकते हैं। इसमें आपको तीन सीरीज जैसे शो कर रहे हैं उसी तरह यहाँ पे तीन सीरीज शो कर रहे हैं और कैटेगरी 4, 1, 2, 3, 4। और अगर आप इसमें कुछ भी एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर कुछ एडिटिंग कर लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखा देता हूँ। और इसके बाद आप एडिटिंग करने के बाद सिंपली आपको एक्सेल के शीट पर कहीं भी क्लिक कर देना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये चार्ट जितना मैंने डाटा इंसर्ट किया उसी के हिसाब से ये शो कर रहा है। और अगर आप इस एक्सेल शीट को और इस चार्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको चार्ट के ये बाउंड्री पर माउस का लेफ्ट की प्रेस करना है और इंटर बटन प्रेस कर देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा एक्सेल शीट और ये चार्ट का ऑप्शन डिलीट हो गया है। इस तरह से आपने सीखा पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट ऑप्शन का यूज करना। इसके पिछले वीडियो में मैंने टेबल और होम टैब के सारे ऑप्शंस के बारे में जानकारी दे दी है। हमारे चैनल पर एमएस वर्ड का एक अलग प्लेलिस्ट है, आप आसानी से उसमें सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने हमारे सोशल मीडिया लिंक को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।